प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के कारण ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A का निरस्तीकरण संभव हो सका, तो जम्मू कश्मीर के विकास के सारे रास्ते खुले। धारा 370 हटने के 4 साल के अंदर जम्मू कश्मीर ने जो लक्ष्य हासिल किए हैं वह अकल्पनीय है। 4 साल के अंदर प्रदेश भर में सड़क, अस्पताल, शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं में चल रहे सुधार ने आज शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के लिए बाहर जाने की मजबूरी को समाप्त कर दिया है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने लोगों को अपने प्रदेश में ही बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू और श्रीनगर दोनों का पूरी तरह नवीकरण करने के साथ ही विजयपुर और अवंतीपुरा में 2 नए एम्स का निर्माण भी करवा रही है, जो लगभग पूर्ण होने की कगार पर है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत जम्मू कश्मीर में कुल 226 जन औषधि केंद्र और 1291 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की स्थापना भी की जा चुकी है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को इलाज में किसी तरह की कोई परेशानी ना उठानी पड़े, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत वैसे परिवारों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा भी दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये योजना वरदान बनकर सामने आई है, जिसके कारण आज जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख से अधिक परिवार इस योजना का लाभ ले रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के 81 लाख से अधिक परिवारों को गोल्डन स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 9 सालों का कार्यकाल जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हुआ है। इस दौरान जम्मू कश्मीर को आतंक और 370 जैसे कई बंधनों से आजादी मिली और प्रदेश में खुशहाली लौटी है।